है कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब ये ऐसी लीला आपके घर पर कैसे होंगी, कब होंगी, जो आप जैसे परमात्मा ने लीला करके दिखाई ऐसे आप करोगे। आप दान धर्म करते समय उत्सुकता के साथ करो और ये चिंता ना करो आगे क्या होगा बालका का। ऐसी बहुत से प्रमाण है। एक भक्त कह रहा था कि उसके दो लड़की थी, पुत्र था नहीं, और वो इतना श्रद्धालु था कि जो कुछ भी नौकरी करता था, अच्छा अवसर था, सारा दोना दान धर्म में लगा देता था। और उधर से बेटी ब्याह की होगी और परमात्मा की वाणी जब चलती थी वो बैठ कर रोने लग जाता था नीचे जमीन पर बैठकर, और आंखों में आंसू आते थे, बहुत श्रद्धा से लग रहा था। दोनों बेटी युवा होगी, अब उसने चिंता बन गई कि जिक्र चला रिश्तेदार आ जाओ विनो का छोरी ब्याह की हो रही है, लड़की तू क्या कर रहा है, बहुत देर लगा दी। तो चिंता सी होती है कई बार, फिर भी सोचता मालिक आप करेगा। जब बिल्कुल वो दिक्कत सी का समय आया, उसी समय उसकी बहन विदेश में रहती थी, वह आ गई और विदेश के अंदर उसके पास अच्छा धन था। वो हाथ जोड़ के कहने लगी, भाई मैं काम आई हूं तेरे पास और मेरी इस अरदास को तो अस्वीकार मत करना। तो कहने लगा, बहन भाई बहन की कोई दो थोड़ी होती है, आप जो कहोगी भाई हाजिर है। उसने सोची कुछ पैसे मांगते होंगे, कोई बिजनेस शुरू कर दिया होगा, पैसे तय नहीं, फिर भी किसी से लाकर दूंगा अपनी बहन को, उन्हें थोड़ा मना करूंगा। अक बोल बहन क्या कहना चाहती है, अक वचनबद्ध हो जा। तो कहने लगा, ऐसा